अच्छा अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा यूज फाइनल कीवर्ड का स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो पॉइंट सारे आपके पास वही हैं, ठीक है, जो हमने अभी पिछले वीडियो में कवर किए हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनल कीवर्ड को हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ किस तरह से कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप स्टैटिक वेरिएबल को समझो। स्टैटिक वेरिएबल का दूसरा नाम भी है आपके पास क्लास वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को जब हमने पढ़ा था उसको इंस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ठीक है ना। और स्टैटिक वेरिएबल क्लास के लिए होते हैं, ठीक है ना। और स्टैटिक वेरिएबल का एक और भी यूज था, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसका जो यहाँ पे नाम है, एक वेरिएबल है ऑर्ग नेम के नाम से वेरिएबल है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है, आप सपोज करो कि उनका नाम है एबीसी, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एबीसी है। तो ये जो तीनों एम्प्लॉयज है, मतलब एक आप सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ऑर्ग नेम के नाम से, जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एज अ वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स है उमर अली अमजद, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसका मतलब कि आपके पास ये जो स्टैटिक है वेरिएबल, ये तीनों के पास सेम रहेगा, सही ना। मतलब यहाँ पे तीनों को सेम रहेगा। देखो स्टैटिक की, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, फाइनल में हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आप जो भी दोगे ना, बेशक आप चेंज करते रहो, वो इन एम्प्लॉयज को इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे एबीसी है ना, तो उमर का ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी एबीसी है, अली का भी एबीसी है और अमजद का भी एबीसी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेंज करके इसका नाम रख दूं एक्स वाई जेड, तो अब उमर का भी एक्स वाई जेड हो गया, अली का भी एक्स वाई जेड हो गया और अमजद का भी एक्स वाई हो गया, ठीक है। ये आपके पास है स्टेटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं स्टेटिक वेरिएबल को हम देखते हैं इसके साथ फाइनल कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने वही मिसाल ली है स्टूडेंट आईडी वाली, लेकिन अब मैंने क्या लगा दिया, स्टेटिक कीवर्ड लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ मैंने बताया था हम कोई कीवर्ड यूज नहीं करते, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे स्टैटिक का जो वेरिएबल है, स्टैटिक फाइनल, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैटिक का मतलब कि ये आईडी हर ऑब्जेक्ट के लिए अब यही रहेगी, और फाइनल का मतलब कि मैं ये आईडी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, फर्क देखना दोनों में, सही है। अच्छा एक तरीका तो ये जो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है स्टूडेंट आईडी, उसको वैल्यू में इस तरह से दे सकता हूँ, इनिशियलाइज इस तरह से कर सकता हूँ। दूसरा हमारे पास तरीका है कि आप सिर्फ इसको डिक्लेयर करो, ठीक है, मतलब इनिशियलाइज नहीं किया। तो यहाँ पे आप कमेंट्स में देखो कि वी कैन इनिशियलाइज दिस यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। अब देखो ये स्टैटिक ब्लॉक क्या है, हमने इनिशियलाइजेशन ब्लॉक पढ़ा था जब अभी हमने इंस्टेंस वेरिएबल किया है। स्टैटिक ब्लॉक अब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, सही है, और यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज में किस तरह से करूंगा, यहाँ पे ये देखो पहले स्टैटिक लिखा, देख रहे हो यहाँ पे पहले स्टैटिक लिखा, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, सही है। मतलब आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वही बात, आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आके इसको इस तरह से वैल्यू असाइन कर दो, आसान तरीका ये है, मतलब आप किसी ब्लॉक्स वगैरह के झंझट में ना पड़ो, ठीक है। अच्छा सही है, अब फॉर एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब फाइनल स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पे आके इसका नाम इंटीजर स्टूडेंट आईडी, सही है, सही है, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दे दूं यहाँ पे ट्रिपल टू, ठीक है, एक स्टेप इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था स्टैटिक ब्लॉक, किस तरह से स्टैटिक, ठीक है, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल है स्टूडेंट आईडी, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू दे दूँ, देखो एरर चला गया, ठीक है। मतलब इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट आईडी को मैंने वैल्यू क्या दे दी, ट्रिपल टू। अब क्योंकि मैंने इसको फाइनल बनाया हुआ है, मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। स्टैटिक लगाया हुआ, इसका मतलब कि इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे
उन सब के पास स्टूडेंट आईडी क्या रहेगी, 222 रहेगी, ठीक है। ये आपके पास स्टैटिक वेरिएबल का क्या है, कॉन्सेप्ट है, सही है। मतलब अब हमने देखा फाइनल कीवर्ड को हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ किस तरह से बनाते हैं या लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट आईडी के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया जो फाइनल भी है और स्टैटिक भी है, ठीक है। फाइनल का मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट आईडी की, ठीक है। जो मैंने स्टैटिक ब्लॉक में यहाँ पे इस वेरिएबल को 222 जो वैल्यू दी है, मैं इसको अब चेंज नहीं कर सकता। और स्टैटिक का मतलब होता है, क्योंकि एक क्लास वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए वैल्यू स्टूडेंट आईडी की यही रहेगी, 222 रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको स्टैटिक को फॉर एग्जांपल आपको इसकी एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल F1 डॉट, अच्छा अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, ठीक है, कॉमन रहता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर एग्जांपल इसका नाम रखता हूँ मैं F2, और यहाँ पे आके इसी तरह से मैं इसको दूसरी स्टेटमेंट इसकी प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कह देता हूँ F2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और एक चीज नोट करें कि यहाँ पे देखें हमारे पास एक वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने का वो ये है कि हम स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा क्लास के साथ यूज करते हैं। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आऊं, अपनी क्लास का नाम, हमारे पास क्लास का नाम है फाइनल कीवर्ड। तो अभी अगर आप एक चीज नोट करें, अगर मैं यहाँ पे F1 जो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है F1 डॉट प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो वेरिएबल नहीं आएगा स्टैटिक वेरिएबल स्टूडेंट आईडी। देखें इंटेलिसेंस में मेरे पास स्टूडेंट आईडी वो मुझे नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लास का नाम लिखूं और अब यहाँ पे डॉट लगाऊं, तो देखें अब स्टूडेंट आईडी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए मेरे पास ये क्लास के नाम से ही कॉल किया जाता है, जो इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे क्लास के नाम से कॉल करूं, तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास वो मुझे क्या नहीं दे रहा, जो वार्निंग थी वो मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊं, इसको सेव करूं, तो देखें यहाँ पे अब दोनों जगह मेरे पास वो वार्निंग नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्लास के साथ यूज होते हैं। लेकिन अभी मैं इसको आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट के साथ लिख लिया। और अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल फाइनल हटाता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको वैल्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ उसकी, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इस क्लास के, उन सब के पास स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 222 ही रहेगी, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल का काम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 222 था, अगर मैं इसकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल F1 का मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी था, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ स्टूडेंट आईडी और इसको मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 333, ठीक है। तो देखें ऊपर मैंने क्या वैल्यू दी थी इसको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, 222, लेकिन मैं अब नीचे आके यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मेन मेथड में उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और ये मुझे चेंज करने दे रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइनल लगा दूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल लगा दूँ और अब इस वेरिएबल को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो देखें ये कंपाइलर मुझे अब एरर दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड यहाँ पे दोबारा ये हटाता हूँ फाइनल का वेरिएबल, मैं आपको स्टैटिक का काम समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने ऊपर स्टूडेंट आईडी में 222 वैल्यू दी है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इसको कमेंट करूँ और आपको चला के दिखाऊं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट आईडी है उनकी वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपना प्रोग्राम,
ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखिएगा कि दोनों का हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो जो क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के लिए सेम रहता है, ठीक है। ये देखें सेम है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आके इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँ और यहाँ पे आके दोबारा इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप देखें अब दोनों को यही वाला वैल्यू मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। और जो मैंने वैल्यू दी वो दोनों ऑब्जेक्ट्स, अब आपके पास अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो उनको भी इस स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 333 मिलेगी, ठीक है। यह स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगर इससे पहले मैं यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड लगा दूं, ठीक है, फाइनल का कीवर्ड लगा दूं, तो अब इसका मतलब मैं सिर्फ इसकी वैल्यू एक ही दफा सेट कर सकता हूँ, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको दोबारा वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 222 से 333, ठीक है। तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, जब मैंने फाइनल लगा दिया, सही है। तो ये था हमारे पास फाइनल स्टैटिक, फाइनल का जो कीवर्ड था हमने स्टैटिक वेरिएबल के साथ इसको यूज करना देखा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इमेज से भी समझा देता हूँ, ठीक है। इमेज में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इस ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ये एक एम्प्लॉय के लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास इस क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के पास मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल आ रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेम तीनों का क्या है, एबीसी है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इंटीजर टाइप का नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर मैं एबीसी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स की सेम रहेगी, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको एबीसी मैंने दिया तो इसका मतलब उमर भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अली भी और अमजद भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई जेड रख दूं, तो अब इन तीनों का यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा दूं, ठीक है, फाइनल मैंने लगा दिया, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड के अलावा और कुछ नहीं रखता रख सकता, क्योंकि ये अब फिक्स हो गई, ठीक है, फाइनल लगा दिया मतलब ये अब फाइनल हो गया, मैं अब इसको चेंज नहीं कर सकता, अब ये वैल्यू रीड ओनली बन गई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइनल कीवर्ड विद स्टैटिक वेरिएबल्स।